सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाँ गाइस, ये कैसे हुआ बताता हूँ मैं, टेंशन नको लेना गाइस, ठीक है? सो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आ चुका हूँ गाइस डिंकम का एक और नया एपिसोड। तो गाइस डिंकम के पिछले एपिसोड में गाइस आपने देखा होगा कि हम लोग जो है ना गाइस, वो भाई यहाँ पे फुल तबाही मचा रहे थे हम लोग अपने पिछले एपिसोड में। काफी खतरनाक सी चीजें जो है ना गाइस वो यहाँ पे बनाई थी हमने। जो क्वारीज है ना गाइस, वो भी मतलब भाई माइनिंग ड्रिल्स है गाइस, वो भी यहाँ पे बनाने का काम जो है ना गाइस वो पिछले वाले एपिसोड में करा था। एंड उसके बाद गाइस आपको बताऊंगा कि कुछ माइनिंग जो ड्रिल्स है वो बनाने के लिए हमको मटेरियल्स कम पड़ रहे थे गाइस, ठीक है? काफी ज्यादा मटेरियल नहीं कम पड़ रहे थे हमको, खाली एक इंजिन की तरह, ओल्ड इंजिन की तरह दिखने वाली कोई चीज कम पड़ रही थी। ये क्या भाई इतना ज्यादा बड़ा वन बिट? अरे शिट यार, शिट यार, भाई पूरे के पूरे भाई मुर्गी फार्म को डिस्ट्रॉय कर देगा ये लौंडा। ए भाई तेरे को कहीं कोई और जगह नहीं मिलती यार, मेरे घर में आता है क्या? मेरे घर में आना होता है तेरे को? भेज गया, ये ले बेटा लाड़ में, भाई लाड़ में आ रहा है, मेरे मुर्गियों को खाने के लिए आया, मेरे को बताया भाई, ये मेरे मुर्गियों को खाने के लिए आया, बताया भाई, इसे तो बैंड बजा के रख दूंगा मैं, भेज गया, ये ले बेटा, चल बेटा कल आना, कल लाड़ में आ रहा है भाई, लाड़ में आ रहा है भाई, बैंड बजा के रख दी लौंडे की। तो गाइस यहाँ पे जो ना गाइस पिछले वाले एपिसोड में आप लोग ने जो ना गाइस यहाँ पे देखा होगा कि हम लोग जो ना गाइस वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और मैंने बोला था कि मैं AFK में जाके मतलब ऑफलाइन में जाके काफी ज्यादा भाई ट्रेजर हंटिंग करूंगा, और मैंने वैसे ही करा गाइस। ट्रेजर हंटिंग के साथ साथ ना मैं आपको आगे के टाउन के जो प्लान है वो भी बता देता हूँ। बट गाइस जो प्लान से भाई आपके साथ डिस्कस करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको हमारे प्यारे प्यारे से गेमिंग विद एंडी के चैनल का और व्लॉगिंग चैनल का, तो दोनों चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। तो गाइस मेरा फ्यूचर का प्लान सुन लो गाइस, यहाँ पे मेरा प्लान क्या था, ये जो भाई हमारा फार्म है अभी काफी ज्यादा छोटा है, तो इसको एक्सपैंड करने के लिए पूरी जगह जहाँ पे उबड़ खाबड़ जगह थी उस पूरी जगह को मैंने प्लेन कर दिया। जो मुर्गियां थी गाइस यहां पे हमारी, ये मुर्गियां फार्म भाई आपको बताया कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है, और यहां पे मुर्गियां जो ना गाइस वो रह नहीं सकती अभी इतनी से छोटी सी जगह पे, सो इसको एक्सपैंड करने के लिए भी मैंने यहां पे जो ना गाइस मिट्टी भर डाली हर जगह पे, आप देख ही सकते हो, जैसे कि गाइस मैंने हर जगह पे जो ना गाइस मिट्टी भरने का काम जो ना गाइस वो कर दिया। एंड अभी जो ना गाइस आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस यहां पे अपने फार्म को बड़ा करने वाले थे, बट जैसे मैं आज सवेरे उठा ना तो मेरे को पता चला कि जो भाई ऑटम जो भी होता है भाई वो चालू हो चुका है, एंड उस रीजन से स्प्रिंग खत्म हो चुका है हमारा। और स्प्रिंग में आपको बताया कि हमारी खेती बाड़ी अच्छे से चल रही थी, बट गाइस ये नया सीजन चालू होने के बाद जो ना गाइस हमारी जो फसल इस नए सीजन में टिक नहीं पाई, एंड उस रीजन से हमारी पूरी की पूरी नई फसल की जो ना गाइस यहाँ पे बैंड बच चुकी है गाइस, ठीक है? और अभी आज के इस एपिसोड में मैं जो ना गाइस सोच रहा हूँ कि काफी सारा क्वारी जो है ना गाइस मतलब माइनिंग ड्रिल्स है ना गाइस वो सबसे पहले बना लेता हूँ, एक काम कर लेता, पहले जाके मैं फ्रैंकलिन से कुछ ब्लूप्रिंट खरीदता हूं, देन उसके बाद जो है ना गाइस रुक जाओ, पहले ब्लूप्रिंट की चीज की बताओ, अरे नहीं यार ये तो मेरे पास पहले से ही यार, ये नहीं चाहिए। बाकी फ्रैंकलिन के पास जो है ना गाइस ब्लूप्रिंट भाई खरीदने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ कि मैंने ऑफलाइन में कितनी ज्यादा माइनिंग करी है गाइस, ठीक है? वो पहले दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, उससे पहले ना भाई इनको खाना डाले दो, भुक्कड़ लोग को खाना डाले दो पहले, और इनका भी जो फार्म है ना गाइस, ये देख रहे हो हमारे लोंडे, इनका भी फार्म जो है ना गाइस वो मेरे को बड़ा करना है, क्योंकि इनके लिए भी काफी कम जगह यहाँ पे रह रही है। मैंने AFK में ना दो तीन और जो है ना गाइस यहाँ पे भाई ये इकट्ठा कर लिए थे, मतलब बाय कर लिए थे। अभी मेरे को क्या करना पता है क्या? अभी यार खाना किधर है? खाना तो भाई इनफ ही नहीं है, फिर 49 खाना बचा हुआ है क्या खाली? भाई इतू से खाने से कुछ भी नहीं होने वाला यार, इतू से खाने से तो कुछ भी नहीं होगा। आ जाओ खा लो टूस लो भाई। ये मुर्गियाँ जो ना गाइस ऐसा भसड़ मचाती है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ आपको। बाकी अंडे चंडे भी देती है यार अच्छा वाले, बट यार भसड़ बहुत ज्यादा मचाती है भाई, और 50 खाने से कुछ नहीं होने वाला मेरे हिसाब से भाई, ठीक है? ए मुर्गी भाई ये बंद कर ले, बाकी रुक जा, पहले मेरे को मुर्गियों के अंडे जो ना गाइस वो कलेक्ट करने दो भाई, ये आवाज भी बहुत ज्यादा करती है भाई, देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा मुर्गियां हो चुकी है। सबसे पहले ना मैं मुर्गी फार्म को ना अपने एक्सपैंड करने वाला हूँ भाई, ठीक है? फुल एक्सपैंड भाई, और साथ में माइनिंग ड्रिल जो ना गाइस वो भी बाय करेंगे अपन। इधर आओ मुर्गियों, भाई मुर्गियों को रखने के लिए जगह ही नहीं हुई है भाई, बची हुई है भाई, देख रहे हो? और FPS भी यहाँ पे अभी कम मिलने लगा है, क्योंकि इतनी सारी मुर्गियां हो चुकी है ना कि FPS काफी ड्रॉप हो रहा है यार यहाँ पे मुर्गी फार्म में आने के बाद ही। इधर आओ भाई, कितनी मुर्गियां हो चुकी है, बाय 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 बाय, भर भर की मुर्गियां हो चुकी है। चलो बाकी भाई इनके लिए खाना पीना भी डालना पड़ेगा, और मुर्गियों को ना बाद में खाना दूंगा भाई, रुको, खाना ही खत्म, मुर्गियों के लिए खाना दे ही नहीं सकता मैं। अबे ये नहीं डालना, ये डाल दे यहाँ पे, ठीक है? चलो आ जाओ, लेट्स गो, अभी फटाक से मैं चलता हूँ। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मैंने AFK में क्या करा भाई, ठीक है? ये तो भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये यहाँ पे डाल दो AFK में, मैंने ये देखो टेडन टेडन टेडन
टरन टरन टरन, देख रहे हो गाइस, देख रहा है हो। 42 कीज, 198 गियर्स, 20 कीबोर्ड, 44 व्हील्स, 15 माउस बाय टेबल, 22 शाइनी डिस्क, 23 हॉट सिलेंडर आपको बताया, और 5 भाई हमारे इंजिन भाई ओल्ड वाले। और भाई इससे जो ना गाइस हमारा काफ़ी ज़्यादा फायदा जो ना गाइस जो अभी होने वाला है ना मेरे भाई, बोले तो फुल टू द भाई गाइस, ठीक है। चलो आ जाओ अभी ना, हमें फटाक से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो अपन को वापस चाहिए थी बनाने के लिए गाइस, ठीक है, वो लेके चला जाता हूँ भाई, ठीक है। स्प्रिंग बिंग चाहिए थी, शाइनी डिस्क ना 11 बेचनी पड़ेगी अपन को, 11 नहीं 22 की 22 बेच देता हूँ। शाइनी डिस्क तो भाई कॉमन है मैं भाई, अगर कम पड़ेगी ना शाइनी डिस्क मैं एएफके में आज रात भी जो ना एकदम फुल टू माइनिंग कर लूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। माइनिंग से नहीं सॉरी ट्रेजर हंटिंग से बहुत सारा सामान मिलता है यार, और ये सारा सामान, एक मिनट रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कल खा लिया, कल माइन करके टोटल कितने का सामान यहाँ पे इकट्ठा करा है, मतलब ये पूरा सामान अगर मैं बेचने के लिए चला जाऊँ तो तुम्हारे भाई को कितने पैसे मिलेंगे देखना चाहोगे? कल की मेहनत गाइस, ठीक है, कल की मेहनत देखना चाहोगे कितनी है? देखना गाइस, देखना मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल गुड्स भाई, सेल नहीं करना, लेकिन देखना गाइस कल की खाली मेहनत। हाँ ये ले बेटा सेल करने की सोचू भाई, 9 मतलब लगभग 1 मिलियन गाइस, ठीक है, 1 मिलियन की भाई यहाँ पे तुम्हारे भाई ने खुदाई करी है, और लगभग 2-3 घंटे लगे इस खुदाई में, ठीक है गाइज, मतलब मेहनत भी उतनी ज्यादा लगी है, बट गाइज फल भी तो मिल रहा है ना गाइज। 9 मिलियन, मजाक कर रहे हो क्या यार भाई? इतना सारा पैसा तो कमाने के लिए मेरे को भाई 2-3 हफ्ते की भाई सब्जियां और अंडे बेचने पड़े थे भाई, वो तो भाई 2-3 घंटे की मेहनत से मिल रही है भाई। काम कर ले, आया हूँ सम डिस्क फॉर यू भाई, मैं इसको जो ना गाइज 22 डिस्क बेच दूंगा, मेरे को भाई 2 लाख तो कम से कम मिल ही जाएंगे। हाँ 2 लाख मिल जाएंगे। डिस्क इसलिए बेची मैंने क्योंकि मेरे को जो ना गाइज वो माइनिंग ड्रिल बनाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, और मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। ये वाली जो ड्रिल है ना गाइज वो बनानी है मेरे को, ऑलराइट। हाँ जी हाँ जी, जल्दी 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 बना ले बेटा। हाँ जी, लेट्स गो। बाकी जो ना गाइज ये कल डिलीवर हो जाएगी, सो आज जो ना गाइज हम क्या करेंगे बताए कि आज तुम्हारा भाई जो ना गाइज एकदम फुल डो यहाँ पे बनाएगा, मतलब अपना जो मुर्गी फार्म है वो एक्सपैंड करेगा गाइज, ठीक है। बाकी आपको और भी चीजें दिखाता हूँ मैंने एएफके में जो करी है गाइज, ठीक है। मैंने एएफके में पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो ना गाइज जो साफ कर डाला भाई, पूरा फॉरेस्ट भाई आपको दिखा देता, मतलब जो अपने आजू बाजू जितना भी फॉरेस्ट था ना गाइज वो ऑलमोस्ट अपन ने भाई साफ कर डाला है यहाँ पे, ठीक है। देखना देखना भाई, प्लैंक देखो, 200 प्लैंक जो ना गाइज वो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने बना के रखे है, 206 135 97 भाई, ठीक है। और भाई वुड भी भाई ला के रखा है मैंने, अगर वुड चाहिए होगा तो वुड भी यहाँ से अपन जो ना गाइज लेके जा सकते हैं, किसी मिशन के लिए वुड चाहिए होता है ना तो वहाँ पे ये वुड अपन भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्राइंडिंग तो करिए तुम्हारे भाई ने गाइज। अभी आप बोलोगे कि ये भाई लकड़ी इतना ज्यादा काहे उठाया गाइज, मैंने इसलिए इतना ज्यादा भाई लकड़ी उठाया ताकि मैं इससे जो ना गाइज फेंस बना सकूं। मेरा प्लान तो भाई सिंपल ही था भाई, मेरे को जो ना गाइज यहाँ पे आज भाई किसी भी कीमत मुर्गी फार्म जो ना गाइस जो अपना बड़ा कर लेना है भाई, ठीक है। बाकी ये भाई पिघलाने के लिए डाल देता हूं ना बाहर भाई, काम आएगा भाई, ठीक है। बाकी मेरे को भाई आयरन के भाई, अरे आयरन के टीन के वो कहां पे, मेरे को भाई नेल बनानी पड़ेगी, नेल्स बनानी है यार, उसके नेल्स के बिना जो ना गाइस और कुछ नहीं होगा। 11 बचे यार खाली, ओ शिट यार, काफी कम बचे है ना गाइस, काफी कम बचे, कोई सीन नहीं है। चलो भाई जितने के अपन नेल्स बनाएंगे ना उतने तो भाई टीन और तो मैं अभी यहाँ पे भाई इकट्ठा कर लूँ, मतलब पिघला के गाइस, ठीक है। चलो बाकी मेरे को नेल्स जो ना गाइस वो बनानी पड़ेगी क्योंकि नेल्स के बिना जो ना गाइस आपको बताया गया हमारी फेंस जो ना गाइस वो बन नहीं सकती है, ठीक है। सो फेंस कहाँ पे चली गई अपनी भाई, फेंस ये रही, पामुड की बनानी है ना, हाँ पामुड की बनानी है भाई, ठीक है। ऑलराइट, कितनी फेंस बनेगी, जितनी ज्यादा बना सकता हूँ ना उतनी ज्यादा बना लेता हूँ। अभी अगर यूज नहीं हुई ना तो अगले वाले एपिसोड में यूज हो जाएगी क्योंकि अगले एपिसोड में अपन कुछ और जो ना गाइस एक्सपैंड करेंगे, लाइक फार्म या फिर जो अपने भाई ये क्यूट क्यूट से पांडा है ना इन लोग को एक्सपैंड करेंगे। रुको पहले जाके मैं देख लेता हूँ कि अभी अपन बाय क्या कर सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे मंडे को शॉप बंद होता है यार, मतलब इनके लिए फूड ही नहीं है मुर्गियों, एक दिन बिना फूड के सर्वाइव कर लोगे क्या? फूड ही नहीं यार इन लोग के लिए, मर भी गई तो मुर्गिया मेरी एक दिन ना खाना खा के मरेगी क्या, पता नहीं यार, वो तो भाई अगले एपिसोड में पता चलेगा यार। मरना जाए यार मेरी मुर्गिया, मरेगी नहीं गई शायद, एक दिन ना खाएगी तो ना मरेगी शायद, पता नहीं, देखते चलो, पता नहीं गाइस आ जाओ। बाकी गाइस अभी जो ना गाइस अपन इस फार्म को एक्सपैंड करने वाले, पिछली बार जो गलती करी थी वो अभी नहीं करने वाला। पिछली बार मैंने क्या करा था गाइस, मैंने पहले जो ना गाइस यहाँ पे फटाफट से वो जो भाई वो बीच वाली जो डंडी थी ना वो तोड़ दी थी, और उससे भाई काफी सारी मुर्गियां जो ना गाइस हमारी भग गई थी। सो वो वाली गलती मैं वापस नहीं करने वाला, मैं पहले जो ना गाइस फुल पैक कर लूंगा यहाँ पे इसको,
देन उसके बाद ही जो है ना गाइस, यहाँ पे ये पेड़ भाई दिक्कत देगा क्या? अरे पेड़ को काट डालेंगे भाई, डर दे क्या? पेड़ को काट ही डालेंगे भाई। ले 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 भाई, काट डाला भाई पेड़ को। चलो आ जाऊँ भाई, डर देगा। चलो खत्म भाई। बाकी ये भाई मिट्टी को भाई उठाना पड़ेगा खाली यहाँ से, ठीक है। और मेरे को जितनी फेंस चाहिए थी भाई, जितनी फेंस मैं लेके आया था वो सारे गाइस यहाँ पे यूज हो चुकी है। ऑलराइट ड्यूड, सारी की सारी फेंस यूज हो गई ना मेरे भाई। बाकी इतना बड़ा जो है ना गाइस, मेरे हिसाब से जो है ना गाइस फार्म इनफ रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी भाई एक और फेंस चाहिए खाली भाई, एक और फेंस चाहिए मेरे को। थोड़े से और नेल्स बनाने पड़ेंगे, आ जाओ। चलो बाकी भाई इनके लिए खाना पीना जो है ना गाइज, वो थोड़ा कम पड़ गया गाइज। कोई ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मरेगी तो नहीं, एक दिन नहीं खाएगी तो मरेगी नहीं मेरे हिसाब से। आ जाओ चलो, लेट्स गो। फटाफट से यहाँ पे मैं बना लेता हूँ नेल्स, देन उसके बाद अपन बना लेंगे गाइज यहाँ पे ये फेंस भाई, ठीक है। चलो काम 25 है ना मेरे भाई। चलो आ जाओ, ये रे भाई फेंस यहाँ पे लगा देता हूँ। बाकी ये उठा ले, यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेता हूँ भाई, ठीक है। बाकी फार्म जो है ना गाइज, वो भी अपन भाई एक्सपेंड करने के बाद भाई यहाँ पे वो करेंगे गाइज, ठीक है। पहले मैं उस फार्म को एक्सपेंड करूंगा, ठीक है। चलो गाइज डन। अरे यार मैं बीच वाला ये तोड़ सकता था ना गाइज, ये बीच वाला तोड़ सकता था भाई मैं, और इस फेंस का इस्तेमाल कर सकता था। मैं भी पागल हूँ भाई। मेरा ये कहाँ पे, ये रहा। मुर्गियों को नहीं लगना चाहिए, हाँ मर जाएगी बेचारी मुर्गिया गाइज अपनी। संभल के घूमो फिरो मुर्गियों, आराम से घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं है। अबे पेट नहीं करना यार तुमको। बेटा मिनट, ये ले बेटा, ठीक है। बाकी इसको जो ना गाइज उठा ले, मुर्गी थी यार उसके अंदर, डायरेक्टली उठा लिया। मैं ऐसे वाले जो ना गाइज वो एज में लगा दूंगा। अगर भाई सोना है इनको तो इनको जो ना गाइज वहाँ पे जाके सोना पड़ेगा। मैं बर्ड वाले जो अबे यार इधर आओ सारे मुर्गियों, इधर आओ पहले, आओ इधर रे, इधर आओ। पता एकदम लंबा बना दिया है पूरा, बट कोई ना गाइज चलेगा, काम चल जाएगा। पेट रहे ना, हाँ भाई ये बर्ड वाला जो है वो अपन लोग कहाँ पे लगा दें, उधर ही एज में लगा दूंगा मैं, ठीक है। आ जाओ मुर्गियों, चले जाओ वहाँ पे, ठीक है। अभी ज़्यादा जो है ना बेस ड्रॉप नहीं होगा अपना, ओके। बाकी ये भाई मुर्गियों के घर जो है ना गाइज मैं काफ़ी सारे बना लेता हूँ, लगा तो दूंगा मैं यहाँ पे इनको, हाँ लाइक दिस भाई, ठीक है। यहाँ पे सारे मुर्गियों के घर भाई लगेंगे, मैं और मुर्गियों के घर बना के लेके आता हूँ। बाकी मैंने जो ना गाइस क्रॉप प्लॉट जो है ना गाइस वो भी खरीदे थे, वो भी यहाँ पे लगा दूंगा भाई मुर्गियों के लिए। भाई नई जगह बना लिया यार तेरे भाई ने, मजाक हो रहा है क्या ब्रो? बाकी गाइस वो बनाने के लिए उनका घर भाई कितना सारा सामान चाहिए जरा मेरे को एक बार बताओगे? एक मुर्गी का घर बनाने में बहुत ज़्यादा सामान चाहिए होगा मेरे हिसाब से यार। हाँ ये वाला भाई, कॉपर और चार चाहिए भाई। नेल्स बिल्स का शीट्स का कोई सीन नहीं है, कॉपर ओर का भाई सीन है भाई, कॉपर ओर का सीन है भाई खाली। 22 तो है अपने पास। स्नप ट्रब्स भाई है मेरे पास चार पड़े हुए हैं भाई, और मेरे को थोड़े से स्नप ट्रब्स चाहिए होंगे ना यार, अभी हम थोड़े से चाहिए होंगे गाइस, ठीक है। बाकी और क्या चाहिए? शीट्स तो भाई मिल ही जाएंगे, शीट्स तो अपने पास भर भर के भाई, शीट्स का नो प्रॉब्लम हो। बाकी मेरे को गम वुड प्लैंक भी अपने पास है भाई, ठीक है। नेल्स चाहिए होंगी थोड़ी सी, नेल्स भी बना लूंगा मैं। और एनिमल फीडर बना सकता हूँ क्या? एक काम कर ले फिर, एनिमल फीडर बना ले भाई, ठीक है। खरीदने से अच्छा बना ही लूंगा मैं। एक काम कर लेता हूँ फटाक से, वो स्नफ डब्स जो है ना गाइज वो लेके आता हूँ, और वो तोड़ने के लिए ना मेरे को थोड़ा सा एक भाई इक्विपमेंट यहाँ से बाय करना पड़ेगा। ऑलराइट ये वाला इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ से भाई सीड बीड बाय करनी है, बाय कर लूँ क्या? बाकी ये ग्रो ऑल ईयर, ग्रो ओवर 9 days दे प्रोड्यूस 2 wheat। अबे यार ये नहीं यार, ये नहीं, वीट का नहीं देखना मेरे को, वीट नहीं देखना यार, वीट सीड नहीं देखना मेरे को, ये देखना है कैबेज क्या कैसी है। ग्रो एंड ग्रो 8 days दे प्रोड्यूस 1 cabbage। अब यार नहीं यार, नहीं भाई बहुत ज्यादा महंगा है। ऑल ईयर समर एंड ऑन टर्म दे ग्रो 11 days दे प्रोड्यूस 3 tomatoes, दे कंटिन्यू प्रोड्यूस 3 tomatoes और 6 days नीड टू अ प्लांट स्टेक। ओके ठीक है भाई, ना यार टमाटोज भी अभी फिलहाल के लिए नहीं चाहिए। शुगर केन का कैसी है? कैसे मतलब ग्रो ऑल ईयर, ओके दे ग्रो ओवर 12 days दे प्रोड्यूस 1 sugar। ओके खाली एक ही मिलता है, मतलब मैं टोमेटोज लगा सकता हूँ अगर चाहूँ तो, बट नहीं चाहिए टोमेटोज, नहीं चाहिए भाई अभी फिलहाल के लिए यार, टोमेटोज का कोई सीन ही नहीं है। बाकी मेरे को ना, अबे यार वो कहाँ पे फिर, वो क्या बोलते हैं फावड़ा किधर है जिसे मैं वो निकालूंगा सारा सामान? बनाना पड़ेगा क्या मेरे को वो? ये कोई इक्विपमेंट था ना गाइज, वो शायद यहाँ पे बनाना पड़ेगा कहीं पे, ये वाला। हाँ अच्छा ये तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है तो ऐसे बन जाएगा। टीन सारा खत्म हो रहा है गाइज खाली, बाकी अपना
ये याद रखना है अपन को। ओके चलो आ जाओ, इससे जो ना गाइस स्निपिक ट्रक्स जो भी है ना गाइस वो भाई निकाल के लेके आता हूँ फटाक से, और एक खास करके हमको डेजर्ट में मिलेगा। चलो गाइस फटाक से चलते हैं, अपन को आज कुछ भी करके हमारी मुर्गियों का फार्म ना एकदम ओपी वाला बना डालना है, ठीक है। बस उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी जो मेहनत है एक गलती के कारण यहाँ पे वेस्ट ना चली जाए। लाइक गाइस यहाँ पे एक गलती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस मेरे को इनको खिलाने के लिए मेरे पास जो ना गाइस बिल्कुल भी खाना नहीं है, और मैंने चाहता यहाँ पे जो ना गाइस भूख के मारे जो ना गाइस इनकी बैंड बज जाए यहाँ पे और मर जाए भाई हमारी मुर्गियाँ। वैसे एक दिन अगर मैं खाना नहीं खिलाऊंगा तो शायद नहीं मरेगी, देखते कल ही पता चलेगा। वैसे आ जाओ मैं स्नफ डब्स कहाँ पे भाई वो देख लेता हूँ, मेरे को चाहिए भर भर के भाई स्नफ डब्स। ये रहा भाई भर भर के मिल गया भाई, चलो भाई भर भर के चाहिए मेरे को, कम से कम 5 तो बना लेना है, मतलब भाई मैं 20 तो लेके चला जाऊंगा भाई, 20 से कम लेने ने वाला मैं। चलो यहाँ पे क्रिस्टल है भाई, ठीक है क्रिस्टल की जरूरत नहीं। ये रहा गाइस और मिल गया गाइस अपन को, लेट्स गो ना मेरे भाई। ये यहाँ पे तो काफी सारा है, उठा लेता हूँ सारा। वैसे इससे जो ना रेजिन बिजिन कुछ तो बनता है गाइस, पता है आपको। बाकी ये भाई एक ऑस्ट्रिच की तरह दिखने वाला कोई तो भाई यहाँ पे आया है, इसको मारने का मूड नहीं है फिलहाल के लिए। और वैसे अपन जो ना गाइस फुल गरीब होने वाले गाइस अभी, हाँ फुल ऐसा एकदम गरीबी जाने वाले। मैं आज रात को ना थोड़ा सा डीप माइनिंग करूंगा गाइस, क्योंकि भाई मेरे को पता है आपको माइनिंग शाइनिंग देखने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैं डीप माइनिंग जो ना गाइस एएफके में करूंगा, और थोड़े से जो ना गाइस अच्छी अच्छी चीज़ें जो ना गाइस वो माइन करके लेके आऊँगा। ओके बाकी इसको तोड़ दे भाई, कॉपर पेपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कॉपर जो ना गाइस जो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होने वाला है अभी जो गाइस हम चीज़ बनाने वाले उसमें। हाँ भाई कहाँ पर मिलेगा ये टर्फ? अच्छा मिला भाई, मिला भाई, जैसे बोला वैसे मिल गया गाइस, लेट्स गो। ओ यहाँ पे थोड़ा सा टिन भी है, टिन भी उठा लेता हूँ गाइस, ठीक है टिन भी उठाएंगे ना मेरे भाई। ये लो बेटा, अब भाई बोले तो फुलटू था भाई। अरे यार ये क्या उठा लिया, छोड़ो चलो यहाँ से भाई, ये जो टॉप है ना गाइस ये उठा लेता हूँ भाई सारा का सारा, देखता हूँ टोटल कितना मिलता है यहाँ पे। सारा गाइस उठा लिया है, टोटल 39 अपने पास जो ना गाइस आ चुका है। ओके और गाइस अभी अपन फटाफट से जाके जो ना गाइस यहाँ पे अपने घर पे वो सारे जो मुर्गियों के भाई घर भाई हाउस थे ना गाइस वो बनाने की कोशिश करने वाले। इसको हटा देता हूँ बुकमार्क को, एंड सीधा घर का बुकमार्क लगा देता हूँ, ठीक है। रस्ते में अगर कुछ भाई मेरे को भाई ऐसा आयरन बिरन टिन बिन मिला ना तो वो जरूर से मैं उठा लूंगा, लेट्स गो गाइस। बाय, बस बस पार्क कर ले यहीं पे, आ जाओ गाइस घर पे आ चुके हैं। बाकी मुर्गियों के घर जो है ना चुटकू चुटकू वाले वो बना लेने मेरे को भाई, ठीक है। मुर्गियाँ उसमें अंडे भी देते हैं भाई, टीन शीट गमूड एंड नेल्स भाई, ठीक है। गमूड भाई यहाँ पे पड़ा हुआ है, गमूड भाई कितना चाहिए भाई, ले बेटा टीन शीट भाई कितनी चाहिए बताओ। टीन शीट तो कल भाई बहुत सारी लेके आया मैं, 52 टीन शीट है मेरे भाई, बोले तो बुलटू द भाई, लेट्स गो। बाकी नेल्स कितना चाहिए बताओ भाई, नेल्स कितना चाहिए खाली बताओ भाई। ले बेटा भाई और नेल्स ले ले भाई, और नेल्स ले, नेल्स की कमी है क्या भाई अपने पास बताओ। बाकी भाई ये मुर्गियों का घर चाहिए होगा मेरे को, 1 2 3 4 ठीक है भाई, इनफ रहेगा, 4 इनफ रहेंगे घर गाइस, ठीक है। चलो आ जाओ भाई मुर्गियों तुम्हारे लिए घर बना के ले आओ। भाई सो रही है अच्छे से भाई, नहीं लग रहा कल तक मरेगी गाइस, सो रही है बेचारी। ओ भाई ये देखो 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 भाई एकदम ऐसा लवर्स वर्स भाई ऐसा साथ में सो रहे हैं यहाँ पे, देख रहा हूँ। ओ माई गॉड कितना क्यूट लग रहा है गाइस। आ जाओ चलो अभी यहाँ पे एक घर लगा देता हूँ मैं, हाँ जी यहाँ पे, हाँ एक और, एक और एंड एक और भाई, ठीक है। चलो बाकी 2 और चाहिए हो गए मेरे को घर, बट क्या मेरे पास कॉपर पड़ा हुआ है? आओ शिट ड्यूड, कॉपर सारा खत्म गाइस अपना, अपने पास इनफ कॉपर पड़ा ही नहीं है कि अपन जो ना गाइस एक और यहाँ पे घर, एक और नहीं सॉरी 2 और घर बना सके। बाकी कॉपर के अरे कॉपर की कमी है क्या भाई बताओ, कॉपर की कमी है क्या तेरे भाई को? भाई लो भाई 2 और घर तो बना लूंगा गाइस आज, तो मुर्गियों का बड़ा सा फार्म जो है ना गाइस वो यहाँ पे बन के रहेगा किसी भी कीमत पे। बाकी रुक जाओ मेरे को 2 कॉपर जो है ना गाइस वो और यहाँ से उठाने पड़ेंगे। और एक काम कर ले भाई, ये यहाँ पे चार्ज करने के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। ये चार्ज करने के लिए इसलिए डाला क्योंकि भाई इसकी चार्जिंग जो ना पूरी खत्म हो गई थी, और अभी अपन जो है ना गाइस सोने वाले तो कल तक जो है ना गाइस वो चार्ज हो ही जाएगा। बाकी भाई मुर्गियाँ ना मर जाए भाई, और कोई टेंशन नहीं है, मुर्गियाँ मर गई ना तो ऐसा किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा यार मेरे को, ठीक है। चलो हो गया काम, कॉपर सारा खत्म हो चुका है, लेकिन कोई ना गाइस काम 25 हो गया अपना भाई, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे डाल दे इनको, ओके लेट्स गो गाइस। 2 और मुर्गियों के घर जो ना गाइस अपन ने बना लिए, मुर्गियों आ जाओ रे अपने घर के अंदर बैठ जाओ इधर। हाँ तो घर, अरे भाई बेड भी के बताना भी नहीं पड़ा यार, बैठ गई गाइस देखो कैसे अंदर बैठी है। अच्छा तुम तुम्हारा हो गया, अच्छा इनका हो गया, अभी दूसरे दो हाँ समझ रहे हो ना गाइस, दूसरी मुर्गी अंदर जाएगी। हाँ नॉटी हाँ क्या क्या चल रहा है इन लोग का, ठीक है। बाकी फीडर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि फीडर की आपको बताइए भाई बहुत ज़्यादा जरूरत है यार, इतनी सारी मुर्गियाँ इन सबको खिलाने के लिए भाई कितने सारे फीडर लगेंगे आपको भी बताएगा गाइस, ठीक है। इसलिए फीडर लगा रहा हूँ। बाकी कॉपर के जो गाइस हमारे पास छोटे छोटे से भाई ये और पड़े हुए हैं, इनसे जो है ना गाइस यहाँ पे मतलब जो कॉपर के और पड़े उनसे बार बना लेते हैं अपन, ठीक है। बाकी जो मटेरियल है बाकी सारा यहाँ पे डाल देता हूँ, अभी इनकी जरूरत तो नहीं है मेरे को।
नेल्स भी यहाँ पे डाल दें, बाकी और कोई मटेरियल डालने की जरूरत नहीं है ना कैसे के, बाकी तो कल हमको मटेरियल लगेगा, अभी फिलहाल के लिए मैं सो जाता हूँ एंड कल देखते हैं अपनी मुर्गियाँ चिड़गियाँ जो है मरती कि नहीं गाइस। फूड का थोड़ा सा सीन है मेरे को पता है यार, बट गाइस एक दिन तो भाई उनको एडजस्ट करना पड़ेगा यार, भाई मुर्गियाँ मरी ना हो मेरी, प्लीज यार प्लीज प्लीज मेरी मुर्गियाँ ना मरी हो प्लीज ऑल। देखता हूँ गाइस, देखता हूँ मुर्गियाँ मरी कि नहीं, मुर्गियाँ तो जिंदा हो गई यार मेरे हिसाब से, मरी क्या मरी, अरे कोई नहीं मरा, ए खाना नहीं मिला, खाना आज दूंगा, खाना आज देगा तेरा भाया, खाना दूंगा मैं, अच्छा है मरी नहीं गाइस, ठीक है मरी नहीं मरी नहीं मरी नहीं, मतलब एक आध दिन अगर हम खाना नहीं देते हैं ना तो भी मरेगी नहीं हमारी मुर्गियाँ, बट खाली उनका जो हार्ट होता है ना वो कम हो जाएगा गाइस, ठीक है वो सीन है थोड़ा सा, खाली हार्ट कम हो जाएगा, लेकिन कोई सीन नहीं, चलो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ अभी। और बाकी जो गाइस एक भाई हमारा माइन था गाइस वो भी अपन के पास आ चुका है, तो ये भी भाई अपन यहाँ पे लगा देते हैं ठीक है, और ये भाई फुल चार्ज हो चुका है अपना चेनसॉ, और भाई अपन को यहाँ पे भाई खजाना भी मिल चुका है ठीक है। माइन का काम भी जो ना कैसे अपन चालू करने वाले, बहुत सारी माइन बनाना जो ना कैसे वो भी चालू करने वाले अपन ठीक है। ये यहाँ पे लगा डाल, बाकी तो डाल इसको तो डाल भाई, सामान तो मटेरियल तो मिलता रहेगा क्या इधर रोज यहाँ पे ठीक है, हर रोज यहाँ पे भाई मटेरियल तो मिलता रहेगा भाई, इन्वेंट्री का फुल हो गई, फालतू सामान उठा रहे क्या, कैक्टस डाल दे भाई, इसके टायर उठा ले भाई, ये भाई ये आयरन का उठा ले भाई ठीक है, लेट्स गो। तो गाइस हमारा अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा मुर्गी फार्म जो ना गाइस वो यहाँ पे रेडी है, देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा वाला मुर्गी फार्म बनाया जा रहे भाई ने, ओए हाय खतरनाक बोल देना मेरे भाई। बाकी यहाँ पे हर जगह पे जो ना गाइस फीडर लगने वाले, या फिर फीडिंग पॉट में यहीं पे लगा दूंगा गाइस ठीक है, यहाँ तक ही लगा दूंगा, देखता हूँ चलो देखता हूँ क्या करना है गाइस ठीक है, वो तो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल के लिए आज का जो एपिसोड है डिंगम का वो गाइस यही पे खत्म होता है, मिलते सीधा सबसे डिंगम के अगले एपिसोड में। आज का अगर एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय बाय। और गाइस हमारी ये भाई ऐसा खतरनाक वाली भाई गिन भी नहीं सकता 50-60 मुर्गियां, और नया वाला जो मुर्गियों के लिए हमने फार्म बनाया और उनके लिए जो घर बनाया है वो आपको कैसे लगा गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बता देना गाइस ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में सीधा डिंगम के, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.